दिल है जो पहले से था और बगल में उनका जमीन है सदर इमाम का परिवार का, उसमें दिया गया है और बगल में ही मंदिर है और उनका भी मकान बगल में है और अच्छी तरह से रहना सहना कोई तरह से आज तक दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, क्या आप दिखा सकते हैं मंदिर कहाँ पे है? हाँ, मंदिर इसी मंदिर की बात कर रहे हैं? इसी बात मंदिर का है, ये देखिए। अच्छा, इसी मंदिर में। तो ये दोनों साइड में जो जमीन है वो शरील इमाम के परिवार की है? हाँ, दोनों पट्टी शरील इमाम का परिवार का है। अच्छा, तो इसी मंदिर में शरील इमाम के परिवार द्वारा जमीन दान में दी गई थी? हाँ, जो भी है जो जमीन दिया गया है और प्लस है जमीन पहले से मंदिर बना हुआ है और उनका जमीन दोनों बगल उन्हीं का जमीन। हमारे दादा जी के वक्त कुछ हमारे जो घर में लोग काम किया करते थे उन्होंने हमारी ज़मीन पे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया था जहाँ वो पूजा किया करते थे और वो वर्षों से वैसे ही चला रहा था। अभी कुछ वर्ष पहले जब हम उसी मंदिर के समीप एक मार्केट बना रहे थे तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यहाँ पर हम मार्केट बना रहे हैं और यहाँ पर मंदिर है तो उसको किस तरह से मतलब नक्शा निकाला जाए कि दोनों चीज़ें अपनी जगह सुरक्षित रहें। तो सबके ज़बान से एक ही बात निकली कि वो ज़मीन का टुकड़ा एक आस्था का केंद्र बन चुका है जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसको मंदिर कमेटी को दान किया जाए। और लगभग अगस्त 2017 में हमने कोर्ट के माध्यम से वो ज़मीन मंदिर कमेटी को दान कर दी जिसमें बाद में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।